आज बनाएंगे बंगाल का स्पेशल तड़का, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सबको बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए बनाते हैं स्पेशल तड़का। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए आज की रेसिपी देखते हैं। तड़का बनाने के लिए 300 ग्राम गोटा मूंग लेंगे और 100 ग्राम चना दाल। इसे अच्छी तरह से दो बार धो लेंगे। दो बार धो लिए हैं, अब इसे उबालेंगे। धुला हुआ दाल कुकर में डाल लेंगे। साढ़े 700 ml पानी देंगे। ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी हो चुका है, अब इसे उतार लेंगे। तड़का का मसाला तैयार करेंगे। 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल लेंगे। 4 से 5 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 14 से 15 कली लहसुन कद्दूकसी किया हुआ, दोनों को मिक्स कर लेंगे। दो बड़े प्याज कद्दूकस किया हुआ, अब इसको फ्राई करेंगे। अब इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाला चिपके नहीं। सात से आठ पीस हरी मिर्च बारीक कटी हुई लेंगे। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें दो बड़े टमाटर लेंगे बारीक कटी हुई। इसको चलाते हुए रहेंगे ताकि मसाला चिपके नहीं। 4 चम्मच नमक लेंगे। एक चम्मच हल्दी लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ढक्कन ढक कर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरह से टमाटर दबा दबा के पकाएं ताकि सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा और ढक कर पका लेंगे। टमाटर पक चुका है, इसमें 1 कटोरी दही फेंट के लिए हैं। दही को 2 मिनट पका लेंगे। थोड़े देरी से ढक के पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तेल अलग हो चुका है, अब इसमें उबली हुई दाल डालेंगे। इसे ढक्कन से ढक देंगे। इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि दाल पैन में चिपके नहीं।
थोड़ी दिल ढाक कर और पका लेंगे। जब तक पकाएंगे, जब तक दाल का पानी सूख ना जाए, थोड़ा धनिया पत्ता बारीक कटी हुई देंगे। दाल का पानी सूख चुका है, अब इसे उतार लेंगे। डबल फ्राई करेंगे। डबल फ्राई करने के लिए एक कटोरी रिफाइन ऑयल, 2 चम्मच मक्खन लेंगे। मक्खन देने से तड़का बहुत टेस्टी लगता है। मक्खन को मिक्स कर लेंगे। कसा हुआ दाल 1 कटोरी लिए। इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो पैन में चिपक जाएगा। बारीक कटा हुआ धनिया थोड़ी दे देंगे, हम मिक्स कर लेंगे। तड़का तैयार है, इसे सर्व करेंगे। गरम गरम रोटी के साथ, नान के साथ, पराठा के साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।